जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12,391 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन राजगीर और नई दिल्ली स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 30 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1102 किलोमीटर की दूरी लगभग 21 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले राजगीर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 8:05 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नालंदा स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:13 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बिहार शरीफ जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 8:28 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट वेना स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 8:45 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट हरनौत स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:53 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट बख्तियारपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:12 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट खुसरूपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 9:25 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट फतुहा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 9:36 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट पटना साहिब स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट पटना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 10:20 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट फुलवारी शरीफ स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट दानापुर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट बिहटा स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:03 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट आरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:23 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट बिहिया स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट डुमराव स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:02 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट बक्सर स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:19 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट गहमर स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:33 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट दिलदारनगर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:51 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 2:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट वाराणसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन दोपहर 3:02 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट जौनपुर शहर स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट सुल्तानपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:08 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट मुसाफिरखाना स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 5:37 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट निहालगढ़ स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:54 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट लखनऊ चारबाग स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 8:03 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट शाहजहांपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10:42 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट बरेली जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात 11:47 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात 1:27 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 8 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:52 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 31वां और आखिरी हॉल्ट नई दिल्ली स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:40 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।